सौ सलीबें थी हर एक हरफे जुनून से पहले, क्या कहूं अब मैं, कहूं या न कहूं से पहले। जी मेरा नाम जिया अंजुम है, आप सुन रहे हैं एफएम 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज, प्रोग्राम शब गप 12 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा। एक हफ्ते के बाद फिर से आप सबकी समातों की नजर हुए चाहते हैं। इस साल का आखिरी महीना और इस आखिरी महीने में आज मेरा पहला प्रोग्राम 7 दिसंबर 2023, दिसंबर आ चुका है और अमूमी तौर पे जब दिसंबर आता है तो एक बड़ी खुशगवार सी, एक मौसम की ठंडी सी लहर फिजा में रच बसी जाती है। पंजाब में रहते हुए बात करें तो, और ये मौसम, ये महीना अपने साथ साथ एक अजीब सी खुशी और एक अजीब सी उदासी भी लेके आता है। पता नहीं क्यों, जैसे ही ये मौसम, ये महीना जैसे ही शुरू होता है तो अपने साथ बहुत सारी मैं कहता हूं बहुत सारी यादें भी लेके आता है। न जाने क्यों इस मौसम में क्या ऐसी खास बात है कि इस मौसम और इस महीने का ताल्लुक न जाने क्यों यादों से क्यों इतना ज्यादा है, ये मैं नहीं समझ पाया। लेकिन इस महीने में, इस मौसम में एक खास नॉस्टैल्जिक किस्म की कैफियत होती है। बार बार आप कुछ पुराने किसी दौर, किसी यादों में वापस जाते हैं। वो यादें बाज़ुकात बड़ी खूबसूरत भी होती हैं, दिल को गुदगुदाने वाली भी होती हैं, बड़ी स्वीट स्वीट मेमोरीज होती हैं बाज़ुकात। कभी वो बचपन की हो सकती हैं, वो स्कूल लाइफ की हो सकती हैं, वो हमारे पुराने किसी घर मोहल्ले या किसी इलाके की यादें हो सकती हैं जो खास तौर पे इस मौसम के साथ कहीं ना कहीं मंसूब और जुड़ी होती हैं। कभी कभी ये मौसम और इस मौसम से जुड़ी हुई कुछ तरतीबें और सिलसिले कोई पुराना दोस्त याद दिला देती हैं, कोई पुराना जायका याद दिला देती हैं, कोई पुराना मंजर, कोई पुराना गाना, पुरानी फिल्में, ड्रामे, नॉवेल्स, कहानियां, पुराने रास्ते, न जाने क्या क्या कुछ इस महीने में, इस मौसम में, इस कैफियत के साथ जुड़ा होता है। एक खामोशी सी होती है, एक अजीब सा शोर होता है जो अंदर होता है, बाहर खामोशी सी होती है, सब कुछ बड़ा सिमटा सिमटा सा होता है। महदूद से छोटे से दिन, लंबी लंबी रातें, और रातों में यादों का आ जाना एक अजीब सी कैफियत रखता है। क्या कहते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? दिसंबर, जी हाँ दिसंबर, गो कि आज हमारा प्रोग्राम दिसंबर पर तो नहीं है, लेकिन इस मौसम में और इस महीने में कोई ना कोई एक ऐसी कशिश तो जरूर है कि इसका जिक्र हो ही जाता है। आपकी दिसंबर से जुड़ी हुई ऐसी क्या यादें हैं जो आपको बेकरार करके जाती हैं? यादों का भी ना एक बड़ा एक दिलचस्प सा मामला होता है। यादें खुशगवार हों या यादें
दिल खराश सी, नागवार और गमगीन कर जाने वाली हों। खुशगवार यादें भी आपकी आंखों में कहीं ना कहीं कोई चमक, कोई हल्का सा आंसू का जर्रा दे ही जाती हैं। और दिल खराश यादें तो वो तो वैसे ही दिल पे बोझ होती हैं। इन मौसमों में कहते हैं कि पुरानी मोहब्बतें भी जागती हैं। वैसे मेरे नजदीक तो मोहब्बत या इश्क कभी पुराना नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या है ना कि जिंदगी है, जिंदगी में वक्त के साथ साथ कुछ चीजों की शिद्दतों में वैसी इंटेंसिटी नहीं रहती, वैसे मामलात नहीं रहते। शिद्दतों के भी वक्त होते हैं, शिद्दतों के भी दौर होते हैं। कभी कभी शिद्दतें अपने उरूज पे होती हैं, चाहे वो गुस्सा हो, मोहब्बत हो, नफरत हो, हसद हो या कोई भी चीज हो। लेकिन फिर एक वक्त आता है, फिर एक लम्हा आता है, फिर एक दौर आता है कि आपके ध्यान जो होते हैं वो थोड़े डाइवर्ट होते हैं, आप कुछ और चीजों के बारे में भी सोचते हो। जिंदगी अपना रुख आहिस्ता आहिस्ता खुद लेती है और लेते लेते आपको अपने बहाव के साथ कहां से कहां लेके चली जाती है कि आपको उसके बहाव में उन शिद्दतों का एहसास ही नहीं रहता जो पहले कभी किसी दौर में हुआ करती थी। ये महीना, ये मौसम उन शिद्दतों में दोबारा से एक नई आंच देता है। दिसंबर अब के आओ तो, दिसंबर अब के आओ तो तुम उस शहरे तमन्ना की खबर लाना, जहां पर रेत के जर्रे सितारे हैं, गुलो बुलबुल महो अंजुम वफा के इस्तारे हैं, जहां दिल वो समंदर है कई जिसके किनारे हैं, जहां किस्मत की देवी मुट्ठियों में जगमगाती है, जहां धड़कन की लय पर बेखुदी नगमे सुनाती है। दिसंबर अब के आओ तो, दिसंबर हमसे ना पूछो हमारे शहर की बाबत, यहां आंखों में गुजरे कारवां की गर्द ठहरी है, लबों पर अलताश है, बतन में फाके पिनपते हैं, मोहब्बत बर्फ जैसी है यहां और धूप के खेतों में उगती है, यहां जब सुबह आती है शब के सारे सपने राख के एक ढेर की सूरत में ढलते हैं, यहां जज्बों की टूटी किरचियां आंखों में चुभती हैं, यहां दिल के लहू में अपनी पलकों को डुबोकर हम सुनहरे ख्वाब बुनते हैं, फिर उन ख्वाबों में जीते हैं, उन्हीं ख्वाबों में मरते हैं।
दरीदार रूह को लफ्जों से सीना गो नहीं मुमकिन, मगर फिर भी दिसंबर अब के आओ तो तुम उस शहरे तमन्ना की खबर लाना। दिसंबर अब के आओ तो तुम उस शहरे तमन्ना की खबर लाना कि जिसमें जुगनुओं की कहकशाएं झिलमिलाती हैं, जहां तितली के रंगों से फिजाएं मुस्कुराती हैं, जहां चारों तरफ खुशबू वफा की है। दिसंबर अब के आओ तो, दिसंबर अब के आओ तो, दिसंबर अब के आओ तो। वेल जी, यहां पे हमें बढ़ना है एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ। ये 15 मिनट की कमर्शियल ब्रेक होगी, इसके बाद हम वापस आएंगे और आपसे दोबारा से बातचीत का सिलसिला यहीं से दोबारा से जोड़ेंगे। सुनते रहें, साथ रहें FM 101। मुझे जया अंजुम कहते हैं। एक कमर्शियल ब्रेक है 15 मिनट की, इसके बाद हम दोबारा से आपसे सिलसिला जोड़ेंगे, साथ रहिएगा। जी जनाब, वेलकम बैक एक दफा फिर से, खुश आमदीद। 10:32 हो चुके हैं आपका और मेरा साथ 12 बजे तक रहने वाला है। अचानक से कुछ मेहमान भी आ जाते हैं आपके प्रोग्राम में, और वो मेहमान सैमा जी की सूरत में बाजुकात होते हैं। सेहत बड़ी जरूरी है, तिब्बी नुस्खे बड़े जरूरी हैं, क्योंकि हर किसी के साथ इस किस्म के कुछ ना कुछ मामला तो जुड़े ही होते हैं जो सेहत से रिलेटेड होते हैं। तो सैमा जी जब तक ना आए और आके हमें अपने मुफीद मशवरे ना दें, तो फिर मजा तो नहीं आता ना। क्या कहते हैं आप? अच्छा जी, हम कुछ मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। हम अब से कुछ देर पहले कुछ मौसम के हवाले से बात कर रहे थे, कुछ इस दिसंबर के हवाले से बात कर रहे थे। इस मौसम और इस महीने से जुड़ी कुछ यादों के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत सारी फीडबैक मुझ तक पहुंच चुकी है आपके मैसेजेस की सूरत में, आपकी ऑफर कॉल्स की सूरत में। आपकी ऑफर कॉल्स जो हैं वो हम 11:30 के बाद लेना शुरू होंगे, लेकिन ऑन एयर कॉल्स आपकी 11:30 के बाद हम लेना शुरू होंगे, लेकिन अभी आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक पे टच कर सकते हैं 0422111001 हमारा डायलिंग नंबर है, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पे आइएगा, सर्च कीजिएगा FM 101 लाहौर, हमारा ऑफिशियल फैन पेज है। यहां पे आके आप हमारे प्रोग्राम की जो पोस्ट है उस पे कमेंट्स कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। प्रोग्राम आपको जैसा भी लग रहा है या इसके अंदर अगर आप कोई भी अपनी तरफ से इनपुट देना चाहें, कोई राय देना चाहें, तो आपकी बातें, आपकी तमाम आरा हमारी सर आंखों पर। कुछ मैसेजेस हैं, इनको देख लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद मीरान जरखानी हैं, सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। मरीना बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक नज्म के कुछ अशार भेजे हैं, बल्कि गजल के कुछ अशार हैं। कहती हैं कि अजनबी सा एक मौसम था, बेमौसम सी एक शाम थी, जब उसे आना नहीं था और उसे आना भी था। ठीक हो गया जी। सलीम दिलकश हैं हमारे साथ, हमें सलाम करते हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। तालिया मुराद ने हमें ज्वाइन किया है, कहती है अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, क्या हाल है आपके? जुमरात का दिन मेरे लिए बहुत खास होता है, अपने पसंदीदा अशखास को सुनने का दिन होता है। FM 101 से एक खूबसूरत रिश्ता सा बन गया है। सुबह FM 101 हैदराबाद की RJ रुजा शेख की आवाज से होती है और रात आपकी आवाज से हसीन और पुरसकून हो जाती है। बहुत शुक्रिया तालिया आपका, और चलें, अच्छी बात है कि हमारी जिंदगियों में, आप सबकी जिंदगियों में हमारी वजह से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। हाफिजा फरा नासिर अफजाल
जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस रेसिटेशन, लिसनिंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, काइंडली प्ले तू है कहां बाय और। मैं इसको सर्च करता हूं, मैंने नहीं सुना हुआ इसको, मैं यकीनन इसको कोशिश करूंगा कि प्ले करूं। निमल रजा ने हमें ज्वाइन किया, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज एक 3 हफ्ते के लंबे अरसे बाद आपका प्रोग्राम सुनने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा महसूस होता है आपको सुनकर। आज मैं पूरा दिन यही सोचती रही कि आपका प्रोग्राम आना है तो मैं क्या कहूंगी। मेरे पास पूरे दिन सोचने के बाद भी कुछ नहीं था, हमेशा की तरह कंफ्यूज हूं मैं। खुशियां फैलाते रहें और खुश रहें, खुदा की अमान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शाहरुख नईम है हमारे साथ और शाहरुख हमें गल्फ से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया शाहरुख नईम आपका। शाहरुख वैसे बड़ा वजनी नाम है, पूरी दुनिया में इस नाम की बड़ी छाप है। मेरा कजन है जी शाहरुख, और शाहरुख अब बाहर होते हैं, पाकिस्तान में नहीं होते। मेरे फेवरेट तरीन कजनों में से एक कजन है जो कि बिल्कुल भी वजन नहीं है। अच्छा, कुछ कजन होते हैं ना, कुछ रिश्तेदार होते हैं, बड़े वजन होते हैं, वो कजन नहीं होते। लेकिन ये लाला जो है ना, ये बड़ा एक जबरदस्त किस्म का इंसान है और आज इत्तफाक से शायद पहली दफा मुझे सुन रहा है। तो शाहरुख वेलकम करते हैं आपको इस प्रोग्राम में। यहां पे तो मौसम बड़ा जबरदस्त खुशगवार है, वहां पे पता नहीं आप किस मौसम में हमें किस तरह से सुन रहे होंगे, लेकिन भाई मजे हैं तो फिर आपके हैं। क्या ख्याल है, पैसा है भाई पैसा। अच्छा जी, कुछ और दोस्त हैं, उनकी भी हम बातचीत करते हैं, उनके मैसेजेस को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ तौसीफ साहब हैं। तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। AQ आतिफ काजी हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आतिफ के मुतालिक आपको ये बताता चलूं, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा प्यारा दोस्त है, और इस वक्त आप जो मेरे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक सुन रहे हैं, ये आतिफ AQ का ही बनाया हुआ है। ये तमाम म्यूजिक कंपोज्ड बाय AQ है, आतिफ है जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये जब ट्रैक बन रहा था, ये जो म्यूजिक बन रहा था, ये एक ड्रामे के लिए बन रहा था, और मैं उस वक्त मौजूद था स्टूडियो में और हम साथ साथ ही थे, तो ये मुझे बड़ा पसंद आया था और मैं बड़ा लालची हो गया था इसको सुनने के बाद, और मैंने इसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई ये प्लीज मुझे दे दो। और फिर भाई ने मेरे पे तरस खाया और कहा कि जा जिया जी ले अपनी जिंदगी, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच AQ, आप हमारे साथ हैं। कुछ लिंक्स आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, इनको भी हम देखेंगे और इसके ऊपर सर धुनेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, फैज करीम सलाम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आपने सलाम के अलावा और कुछ नहीं कहा, बहरहाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक गाने की तरफ बढ़ेंगे, बल्कि गाने से पहले कुछ हम एक दो और मैसेजेस देख लेते हैं आपके जो अब तक आ चुके हैं। अरबीशा फ्रॉम लाहौर कहती हैं कि जिया भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, हु आर यू? ये गालिबन आपने कहना होगा कि हाउ आर यू। जी अल्हम्दुलिल्लाह अरबीशा, मैं ठीक ठाक हूं, यकीनन आप भी ठीक होंगी और तमाम सुनने वाले भी ठीक होंगे। आज हम बहुत सारी बातें, बहुत सारे मजे करने वाले हैं, लेकिन कुछ देर तक मैं आपके साथ मौजू भी डिस्कस करूंगा। नबीला हमारे साथ हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको वेलकम, आप बहुत अच्छा शो करते हैं, आपका शो सुनने बगैर रहा नहीं जाता, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आपकी बातें
बेसकूनी से सुकून और राहत देती हैं। आप हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। आप टॉपिक पोइट्री और म्यूजिक बहुत कमाल की लेकर आते हैं। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी के हर पल को हमेशा सुकून और खुशियों और सलामती से भर दे। सब सुनने वालों को सलाम और दुआ फॉर माय मदर एंड फादर प्लीज। अल्लाह ताला आपकी वालदा और वालिद को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी हयाती दे। हमारी दुआएं आपके लिए और तमाम लिसनर्स जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके वालिदैन जो हयात हैं, उनके लिए है, उनके साथ है। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का सुनते हैं। एक खूबसूरत सा ट्रैक आप सबकी समातों की नजर। इसके बाद वापस आते हैं, कुछ मजीद बातचीत करते हैं। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101। मुझे जिया अंजुम कहते हैं, साथ साथ रहिए। तुम अबरे गुरेजा हो, तुम अबरे गुरेजा हो, मैं सहरा की तरह हूं। दो बूंद जो बरसोगे बेकार में बरसोगे, है खुश्क बहुत मिट्टी, हर समत बगोले हैं। सहरा के बगोलों से उठते ही तो शोले हैं। तुम खुलकर अगर बरसो, सहरा में गुलिस्ता हो, पर तुमसे कहें कैसे, तुम अबरे गुरेजा हो, तुम अबरे गुरेजा हो, मैं सहरा की तरह हूं। दो बूंद जो बरसोगे बेकार में बरसोगे, जल थल जो अगर कर दो, तन मन में नमी भर दो, है खुश्क बहुत मिट्टी, पूरी जो कमी कर दो, फिर तुमको बताएंगे तुम रूह में पिन्हा हो, पर तुमसे कहें कैसे, पर तुमसे कहें कैसे, पर तुमसे कहें कैसे, तुम अबरे गुरेजा हो, तुम अबरे गुरेजा हो, कहने को तो सागर हो, सुनते हैं मसीहा हो, आएंगे वहां तक हम अगर कोई जरिया हो, हो दिल में दबी ख्वाहिश, खोया हुआ अरमा हो, पर तुमसे कहें कैसे, तुम अबरे गुरेजा हो। सहरा हूं या खंडर हूं, सहरा हूं या खंडर हूं, खामोश समंदर हूं, झांको कभी आंखों में एक प्यार का सागर हूं। ऐ काश कभी जानो तुम दर्द का सामा हो, पर तुमसे कहें कैसे, तुम अबरे गुरेजा हो। दो बूंद जो बरसोगे बेकार में बरसोगे, माना नहीं इस काबिल, तुम चाहो मोहब्बत दो, हम चाहें सदा तुमको, बस इतनी इजाजत दो। तुम मिश्क तुम ही पूजा, ऐ जां मेरी जां हो, पर तुमसे कहें कैसे, तुम अबरे गुरेजा हो, तुम अबरे गुरेजा हो, और मैं सहरा की तरह हूं। दो बूंद जो बरसोगे बेकार में बरसोगे। कभी कभी आपकी जमीन को बारिश की अशद जरूरत होती है, बारिश जो हर सब कुछ धो के चली जाती है, बारिश जो जिंदगी की पहचान है, बारिश जो नई
रूह लेके आती है, जो सब्जा उगाती है, जो फजा को साफ और खुशबूदार सकर जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ अब्र ऐसे भी आते हैं जो आप पर से, आपके शहर पर से गुरेज करते हुए लेकिन होके गुजर जाते हैं। वो बादल भी क्या बादल होते हैं, जो आते हैं, छाते हैं, लेकिन बिन बरसे चले जाते हैं, गुरेज करते हुए अबर, अबरे गुरेजा। लाहौर के मौसम की बात करें तो आजकल बारिशों की अशद जरूरत है, क्योंकि स्मॉग ने काफी काम खराब किया है। हम बारिशों के लिए उम्मीदवार तो हैं और बादलों को देखते तो हैं, लेकिन बादल शहर भर में से गुरेज करते हुए निकल जाते हैं और हम उसको देखते ही रहते हैं, या अगर वो कहीं पे बरस भी जाते हैं हल्का फुल्का, तो वो जो दो बूंद बरसते हैं बेकार में बरसते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं होता उससे। कुछ लोग हमारी जिंदगियों में मसीहा का दर्जा रखते हैं, हमारे लिए मरहम और दवा का दर्जा रखते हैं, लेकिन वो भी बावजूद हमारी जिंदगी में, हमारे मामलात में शामिल होने के बावजूद बाज़ुकात वो अपनी मसीहाई का हुनर हम पर जरा भी नहीं आजमाते, तड़पाते रहते हैं। वो किसी ने क्या खूब एक शेर कहा था ना, कि मेरे मसीहा ने माइल बकरम होने तक बारहा जितलाया कि दर्द एक नेमत है। मेरे मसीहा ने माइल बकरम होने तक बारहा जितलाया कि दर्द एक नेमत है। कभी कभी कुछ मसीहा जो आपके दिल के दर्द का दरमा कर सकते हैं, यही जितलाते रहते हैं कि दर्द एक नेमत है। गो के दर्द वाकई एक बड़ी नेमत है, लेकिन उस शख्स से, ऐन उस शख्स से ये सुनना बड़ा तकलीफ दे होता है, जिसके हाथ में, जिसकी मुट्ठी में हमारा इलाज होता है। इंसान की फितरत है कि वो एक सोशल एनिमल है, उसको लोग चाहिए होते हैं अपनी बात कहने के लिए, अपना दर्द कहने के लिए, अपनी खुशी को आयां करने के लिए, अपना गम बताने के लिए। अगर आपको इस पूरे शहर में अकेला तन्हा छोड़ दिया जाए और आपके सामने कोई एक शख्स भी ना हो, तो यकीन जानिए आप चंद दिनों में पागल हो जाएंगे, आप मजनू हो जाएंगे, क्योंकि आप बात करने को तरसेंगे। या वो लोग जिनको कभी इस चीज का तजुर्बा हो कि वो उनको किसी ऐसे मुल्क में जाना पड़ जाए खुशी से या मजबूरी से, जहां पे उनकी जुबान बोलने वाला कोई भी फर्द ना हो, तो उनको एक एक अपनी बात बताने के लिए, कहने के लिए हजारों एक्सप्रेशंस और इशारों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो दूसरों की बात नहीं समझ पाते और अपनी बात नहीं बतला पाते, तो ऐसे में भी वो एक तन्हा से हो जाते हैं, बावजूद सबके होने के तन्हा से हो जाते हैं। और ऐसी सूरत में उन पर क्या अजियत गुजरी होती है, क्योंकि कोई एक शख्स भी बाज़ुकात ऐसा नहीं होता कि उससे कोई बात कही जाए, उसके साथ कुछ शेयर किया जाए, उसको बताया जाए कि आज का दिन कैसा गुजरा, कल की क्या उम्मीदें हैं, माजी में क्या क्या कुछ हो चुका है। बहैसियत इंसान एक सोशल एनिमल, उसको शेयर करना होता है अपने जज्बात को, अपनी बात को, अपने मामलात को। कभी कभी हम किसी राइट पर्सन से अपनी वो चीजें शेयर कर लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो राइट पर्सन नहीं मिलता, लेकिन हम फिर भी बहुत सारे लोगों पर भरोसा करके अपने कुछ दिल की बात कह देते हैं, वो बात जो शायद हर किसी को नहीं कहने वाली होती। लेकिन कुछ ऐसा काल पड़ता है लोगों का, रिश्तों का, दोस्तों का, कि हम जो भी हंस के हमसे बात कर ले, हम उसे दिल की बात कर देते हैं।
आज का हमारा कुछ मौजू भी इसी तरह से है कि क्या दिल की बात हर किसी से कर लेनी चाहिए, या दिल की बात अगर की जाए तो फिर किससे की जा सकती है, किससे करनी चाहिए, या दिल की बात करनी ही नहीं चाहिए। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम वैसे प्राइवेसी को बड़ा रोते हैं, लेकिन हम हर चीज सोशल मीडिया पे डाल भी देते हैं। सोशल मीडिया भी हमारे कुछ इन्हीं किस्म के जो इमोशंस होते हैं उनको ट्रिगर करता है और हमें बार बार इस चीज पे उभारता है कि वो बात जो हम शेयर करना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, वो हम बता दें। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसानी नफ्सियात ये कहती है कि जब हम कोई चीज कह देते हैं, बोल देते हैं, बता देते हैं या लिख देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मेंटली तौर पे रिलैक्स हो जाते हैं। पहले किसी दौर में हुआ करता था कि लोग डायरीज लिखा करते होते थे, लेकिन वो जो डायरीज होती थी वो उनकी पर्सनल डायरीज होती थी, उसकी एक्सेस जो होती थी वो सिर्फ उन्हीं के पास होती थी, उन्हीं के हद तक होती थी। कैसा दिन गुजरा, कैसा वक्त गुजर रहा है, क्या क्या मामला दरपेश आए, किन लोगों से मिला, किधर गया, क्या खाया, क्या पिया, किन बातों पे बहुत गुस्सा आया, किन लोगों पे बहुत प्यार आया, मौसम की सख्तियां कैसी थी, तजर्बात कैसे थे, वो सारा कुछ डायरी पे लिख दिया जाता था। लेकिन अब डायरी का रिवाज तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अब लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, पोस्ट लगा देते हैं, कहीं पे खाना खा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, घर में हैं, फारिग बैठे हैं। इवन के स्नैपचैट एक जो हमारी एक ऐप है उसके ऊपर तो ऐसी ऐसी स्नैप्स मुझे आती हैं ना, लोग पर्दों की, खाली कप की, सोफे की, दरख्त की, अपनी गली की खाम खा तस्वीर खींच के भेज देते हैं। ये भी एक इजहार करने का तरीका होता है। तो आप से आज मेरा सवाल ये है कि आप किस हद तक बिलीव करते हैं शेयरिंग पे, अपनी बात को शेयर, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए क्या कहते हैं आप इस बारे में क्या कहते हैं, फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किस हद तक करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, और इसमें हमें लिमिट कहां पे लगानी चाहिए। आज हम कुछ इस किस्म की बात करेंगे। इस हवाले से मुझे आपके मैसेजेस चाहिए होंगे, फीडबैक चाहिए होगी। अगर आप मैसेज करना चाहें, आपको पता है मैसेज कैसे कर सकते हैं, कॉल्स के लिए 04221100101 हमारा फोन नंबर है। फेसबुक पे आके आप हमें कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। जिया अंजुम के नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको मेरा ऑफिशियल फैन पेज मिल जाएगा, वहां पे आप आके इस प्रोग्राम की पोस्ट पे कमेंट्स कर सकते हैं। कोई गजल हो, कोई नज्म हो, कोई शेर हो, कोई इक्तबास हो, कोई जुमला हो, कोई कॉल हो, कोई आप बीती हो हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप किसी भी तरह से हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। दो मिनट के बाद हमें एक न्यूज ब्रेक की तरफ बढ़ना है। न्यूज ब्रेक पे जाने से पहले पहले हम ऐसा करते हैं कि जो आपके मैसेजेस अब तक आ चुके हैं उनको पढ़ लेते हैं। शाहरुख लतीफ तनोली हमारे साथ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, कैसे हैं आप, सलाम टू ऑल लिसनर्स, सलाम टू शमसी। अच्छा, आपने बहुत सारे दोस्तों के नाम लिख के भेजे हैं और आप उनको सलाम भिजवा रहे हैं, आपका सलाम यकीनन सब तक पहुंच चुका होगा। शाहरुख साहब बहुत शुक्रिया। सना बतूल हमारे साथ हैं और सना कहती हैं कि लिसनिंग शब गप शो आफ्टर लॉन्ग टाइम, वेरी नाइस शो। बहुत शुक्रिया सना कि आप भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद अहमद हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, कैसे हैं आप, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। वालेकुम अस्सलाम। तालिया कहती हैं कि सुनो, अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो जाए, इजहार लाजमी करना, इस सोच से बालातर हो के कि वो तुम्हारे नसीब में है कि नहीं, एक बार कह देना ताकि उसे एहसास रहे कि इस दुनिया में कोई वजूद ऐसा है जो उसे बेलौस मोहब्बत करता है, क्योंकि जिस मोहब्बत का इजहार ना किया जाए
वो मोहब्बत किसी वीराने में सुलगती रहती है। निगरान वज़ीर आज़म ने मुल्की मईशत को मजीद बेहतर करने के लिए ताजिर बिरादरी को साजगार माहौल फराहम करने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। निगरान वज़ीर इत्तला'आत ने आम इंतखाबात के आज़ादाना और शफाफ इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन तआवुन फराहम करने का यकीन दिलाया है। गजा में पनाहगज़ीनों के कैंपों पर इसराइल के फलाई हमलों में कम अज कम 23 फलस्तीनी शहीद हो गए। This is FM 101.1. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Vichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Meerpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101. For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. मैं तैनू फेर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखयुल दी चनक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, या खोरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमी लकीर बन के खामोश तेनू तकदी रवांगी, मैं तेनू फेर मिलांगी, मैं तेनू फेर मिलांगी, या खोरे सूरज दी लो बन के तेरे रंगां च कुलांगी, या रंगां दियां बावां विच बह के तेरे कैनवस नू वलांगी, पता नहीं किस तरह किथे पर तेनू जरूर मिलांगी, तेनू जरूर मिलांगी, या खोरे एक चश्मा बनी होवांगी ते जिवें झरनिया दा पानी उड़दा मैं पानी दियां बूंदा तेरे पिंडे ते मलांगी, एक ठंडक जी बन के तेरी छाती दे नाल लगांगी, मैं तेनू फेर मिलांगी, मैं तेनू फेर मिलांगी, मैं होर कुछ नहीं जानती पर इना जानती हां कि वक्त जो भी करेगा ए जन्म मेरे नाल टुरेगा, ए जिस्म मुकदा है ते सब कुछ मुक जांदा, पर चेत्यां दे तागे कायनाती कना दे होंदे, मैं ना कना नू चुनांगी, तागियां नू वलांगी, मैं तेनू फेर मिलांगी, मैं तेनू फेर मिलांगी। जनाब आज हम बात कर रहे हैं कि क्या दिल की बात हर किसी से कह देनी चाहिए, क्या जो दिल में है बता देना चाहिए, इजहार कर देना चाहिए। इस हवाले से मुझे आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। निमल रजा हैं, कहती हैं, जरा देख के चाल सितारों की,
कोई जायचा खींच कलंदर सा, कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ जो कर दे बख्त सिकंदर सा, कोई चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई उसकी काट ना कर पाए, कोई ऐसा दे तावीज मुझे वो मुझ पर राशिक हो जाए, कोई फाल निकाल करिश्मा कर मेरी राह में फूल गुलाब आए, कोई पानी फूक के दे ऐसा वो पिए तो मेरे ख्वाब आए, कोई ऐसा काला जादू कर, कोई ऐसा काला जादू कर जो जगमग कर दे मेरे दिन, वो कहे मुबारक जल्दी आ अब जिया ना जाए तेरे बिन, कोई ऐसी राह पे डाल मुझे जिस राह से वो दिलदार मिले, कोई तस्बी दम दुरूद बता जिसे पढ़ूं तो मेरा यार मिले, कोई काबू कर बेकाबू जिन, कोई सांप निकाल पिटारी से, कोई धागा खींच परांदे का, कोई मन का इच्छाधारी से, कोई ऐसा बोल सिखा दे ना वो मुझे खुश गुफ्तारियों में, कोई ऐसा अमल करा मुझसे वो जाने जान निसार हूं मैं, कोई ढूंढ के वो कस्तूरी ला उसे लगे मैं चांद के जैसा हूं, जो मर्जी मेरे यार की है उसे लगे मैं बिल्कुल वैसा हूं, कोई ऐसा इसमें आजम पढ़ जो अश्क बहा दे सजदों में, और जैसे तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में, पर आमिल रुख एक बात कहूं, पर आमिल रुख एक बात कहूं, ये कदमों वाली बात है क्या, महबूब तो है सर आंखों पर मुझ पत्थर की औकात है क्या, और आमिल सुन ये काम बदल ये काम बहुत नुकसान का है, सब धागे उसके हाथ में हैं जो मालिक कुल जहान का है, जो मालिक कुल जहान का है। वाह वाह निमल रजा, बहुत खूबसूरत नज्म भेजी आपने हमें, बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत सी नज्म भेजने के लिए। उम्मे हानी है हमारे साथ, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, मैं एफएम पर सिर्फ आपका प्रोग्राम सुनना पसंद करती हूं, आज मौजू के मुनासबत से ये अशार हैं, मुझे मौसम से क्या लेना नवंबर हो दिसंबर हो, मेरे सब रंग तुझसे हैं बहारों के खजाओं के, क्या बात है। शकूर अहमद हैं, कहते हैं कैसे हैं ज़िया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूं, यकीनन आप भी ठीक ठाक ही होंगे। और फैज करीम हमारे साथ हैं, वो भी हमें सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, जो हमें फीडबैक दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, जो कि साइलेंटली हमें सुन रहे हैं चुपके चुपके से किसी कोने में बैठे, आप सबका भी बेहद शुक्रिया। एक ऐसा करते हैं, गाने की तरफ बढ़ते हैं, वापस आके फिर हम कुछ मजीद बातचीत फिर से करेंगे आपके साथ। मैं तेनू याद आवांगा, शाहरुख तनोली हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं ब्रिलियंट शो आपका ज़िया भाई, बहुत शुक्रिया। मरीना बिलाल हमारे साथ हैं, कहती हैं कि ज़िया
जब अंदर बहुत गुबार बढ़ जाए तो दिल हल्का करने के लिए किसी की जरूरत तो होती है, और अपने से नहीं अब बाहर वालों से शेयर करती हूँ, क्योंकि अब अपने तो अपने रहे ही नहीं हैं। और रही बात डायरी लिखने की, तो पहले बहुत लिखती थी, अब नहीं लिखती क्योंकि प्राइवेसी भी नहीं रही, अब अपने अंदर ही सब कुछ लिखती हूँ। अच्छा, ये एक अलमिया है कि कुछ लोगों को प्राइवेसी मिलती नहीं है और कुछ लोग खुद अपनी प्राइवेसी जो है ना वो रहने नहीं देते। उसकी एक मिसाल ये है कि हमारे व्हाट्सएप के स्टेटसेस जो होते हैं, हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम के स्टेटसेस होते हैं, हमारी पोस्ट होती हैं, हमने हर चीज खुद ही तो शेयर करनी होती है हर जगह पे। तो हम किधर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम आज गुस्से में हैं, हम आज खुश हैं, आज हम किसी से मिले हैं, आज हम उदास हैं, आज हमारा किसी से मिलने को दिल नहीं कर रहा, आज हमने फिल्म देखी, आज हमने कुछ अच्छा खाया, आज भूख से जान निकल गई, आज बहुत पुराना दोस्त मिला, आज किसी दोस्त की याद आई, वो सारा कुछ हम लिख के अब सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। और यकीन जानिए, जहां पे इसके फायदे हैं, जहां पे ये सोशलाइजेशन तो है ही है, लेकिन अपने आप को पब्लिकली इतना ज्यादा खुद डिस्क्लोज कर देना, ये भी बाज़ुकात बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। फौरी तौर पे हमें बाज़ुकात पता नहीं चलता, लेकिन इसका नफसियाती असर हम पे क्या पड़ता है कि जब हम कोई चीज शेयर कर देते हैं ना, खास तौर पे सोशल मीडिया पे, किसी इंसान से कह देना तो वो एक अलग बात होती है, उसके कुछ अलहदा से सिलसिले होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जब हम कोई चीज शेयर कर देते हैं लिख के पोस्ट करके, तो फिर हमें ये इंतजार रहता है कि उसके ऊपर कमेंट्स क्या आए हैं, लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लोग हमारे साथ सिंपथाइज कर रहे हैं, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों को वो बात पसंद आई कि नहीं आई, लोग हमारी बात से एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उन कमेंट्स से एक नया सिलसिला शुरू होता है। आप कोई भी चीज जब शेयर करते हैं तो नीचे कमेंट्स आना शुरू होते हैं, और मैंने देखा है कि जो लोग बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव होते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और अपनी हर चीज, हर एक चीज सोशल मीडिया पे लगा रहे होते हैं, अगर तो ये आपके प्रोफेशन का हिस्सा है, आप किसी ऐसे पब्लिक डोमेन में काम करते हैं कि आपको अपना आप दिखाना है, हर जगह पे शो करवाना है, तो फिर तो किसी हद तक ये जस्टिफाइड है। लेकिन अगर आप एक कॉमनर हैं, मेरी तरह के एक आम इंसान हैं, और आप हर चीज वहां पे लगा देते हैं और फिर उसके ऊपर आके लोग तबसरा करते हैं, लोग अपने कमेंट्स करते हैं, लोग अपनी राय पेश करते हैं, तो मैंने देखा है कि ऐसे लोग आहिस्ता आहिस्ता कुछ नफसियाती मसाइल का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में लोगों की क्या राय है आपके उस एक्ट के मुतल्लिक, वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं लाशोरी तौर पे सबकॉन्शियसली वो जगह लेना शुरू कर देती है कि लोग क्या कह रहे हैं। आपके लिबास पर फिर बात होती है, तबसरा होता है, आपके उठने बैठने पे तबसरा होता है, आपकी एक एक तस्वीर पे तबसरा होता है, आप कहां गए थे, किससे मिले थे, आप उस वक्त क्या सोच रहे थे, आपने गुस्से में क्या बात कही थी, आपने खुशी में क्या बात कही थी, आपने ईद को कैसे सेलिब्रेट किया था, आपने मुहर्रमों में किस चीज का ख्याल रखा था और किस चीज का नहीं रखा था। लोग इस चीज को नोट कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, और आप खुद मौका देते हैं कि आपके उन तमाम एक्टिविटीज के ऊपर लोग आके राय दें। और यकीन जानिए, जब लोग आके राय देते हैं, जो तो अच्छी राय होती है वो तो आपको कहीं ना कहीं बूस्ट करती है, मोटिवेट करती है, लेकिन बाकी जो चीजें होती हैं, जो नेगेटिविटी होती है, इंसान उसकी तरफ बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, और वो इंसान की नफसियात का और सोच का और सोच के धारों का ऐसा कबाड़ा और सत्यानाश करती है ना कि उफ। मैंने बहुत सारे लोगों को बड़े करीब से देखा है जो बड़े सोशली एक्टिव थे, लेकिन कभी उनके साथ बैठो बात करो तो वो बड़े डिस्टर्ब्ड होते हैं मेंटली। वो क्या कहते हैं ना कि हर बात हर किसी के साथ बताने वाली नहीं होती, हर बात हर जगह शेयर करने वाली भी नहीं होती, लेकिन सोशल मीडिया ने आके कुछ इस किस्म की बात, कुछ इस किस्म के मामलात, कुछ इस किस्म की चीजें की हैं कि सिलसिले अब कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं।
میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ اس چیز پہ بہت زیادہ کہیں نہ کہیں بلیو کرتے ہیں یا آپ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں, اپنے معمولات کو شیئر کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, سٹیٹسز پہ, پوسٹوں پہ, تو اس کو نا تھوڑا سا لمیٹائز کریں, اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. یہ شاید وقتی طور پہ آپ کو پتا نہ چلے لیکن آگے جا کے آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑے معاملات جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک آئی ڈی ہے فیس بک پہ سوہنا پنجاب کے نام سے, اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم ضیاء بھائی, میں اور میرے دوست آپ کا پروگرام لاہور سے سن رہے ہیں, اپنی خوبصورت آواز میں غزل بیان کر دیں, شکریہ. اور اویس بھٹی ہیں, اویس بھٹی صاحب نے عابد ادیب صاحب کی ایک غزل بھیجی ہے, کہتے ہیں کہ میں اپنے جسم میں کچھ اس طرح سے بکھرا ہوں کہ یہ بھی کہہ نہیں سکتا کہ کون ہوں کیا ہوں. انہیں خوشی ہے اسی بات سے کہ زندہ ہوں, میں ان کی دائیں ہتھیلی کی ایک ریکھا ہوں. میں پی گیا ہوں کئی آنسو کے سیل رواں, میں اپنے دل کو سمندر بنانے بیٹھا ہوں. وہ میرے دوست جو ایک ایک کر کے دور ہوئے, میں ان کو آج بھی اپنے قریب پاتا ہوں. محیط کرنے کی کوشش فضول ہے مجھ کو, ندی کا چھور ہوں, ندی کا چھور نہیں ہوں میں, بہتا دریا ہوں. مجھے پہ پھینکے ہیں پتھر جو کوئی آتا ہے, مجھے پہ پھینکتے ہیں پتھر جو کوئی آتا ہے, کہ جیسے میں تیری کھڑکی کا کوئی شیشہ ہوں. بہت شکریہ سونا پنجاب, آپ نے ایک غزل ہمیں بھیجی. مرینا کہتی ہیں کہ اللہ پاک سے باتیں کرنی اور ہر دکھ ہر چیز اللہ سے اب شیئر کرتی ہوں, بس اسی سے بات کرتی ہوں. اللہ پاک سے بہتر دوست اور رازدار کوئی بھی نہیں ہے, اپنے سگے بھی تماشا بناتے ہیں, بات بات پہ ذلیل کرتے ہیں, بس اللہ پاک سے بھی سے ہی سب کچھ کہہ دیتی ہوں. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہر کسی سے کہنے والی نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہم جن لوگوں کو اپنا ہمدم, اپنا رازدان یا اپنا مسیحا سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے نہیں ہیں, لیکن ہم زبردستی ان کو کہیں نہ کہیں اپنا مان رہے ہوتے ہیں. اسی چکر میں ہم سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم ان سے کچھ ایسی باتیں شیئر کرنے لگ جاتے ہیں جو ان سے بالکل بھی نہیں کرنے والی ہوتی. کہتے ہیں کہ آپ کا سب سے خطرناک ترین دشمن وہ ہوتا ہے جو کسی وقت میں کسی دور میں آپ کا سب سے بہترین دوست اور رازدان رہا ہو, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ نشانہ لگانا ہے, اس کے ویک پوائنٹس کیا ہیں, اس کو کس جگہ سے کس طرح سے ہٹ کیا جائے گا تو یہ کل بلا اٹھے گا, اس کی چیخیں نکل جائیں گی. اگر آپ دوست رکھتے ہیں, کوئی ہمدم رکھتے ہیں, کوئی ہم نوا, کوئی ساتھی رکھتے ہیں, تو کوشش کیجئے کہ ایک حد کے آگے ہر بات, اپنے ہر احساس, اپنی ہر فیلنگ اس کے ساتھ بھی نہ شیئر کریں. اپنی تھوڑی باؤنڈری ضرور طے کریں, سیٹ کریں کہ کون سی بات کس کو کتنی بتانی ہے. لیکن آبویسلی زندگی میں کچھ ایسے دوست ضرور ہوتے ہیں جو بہت زیادہ قریبی ہوتے ہیں اور آپ ان سے ہر بات شیئر کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر دبا ہی لی جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. مرینا, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں فرمائیں. الحمدللہ ملاقیل ہیں, کہتے ہیں اس لیے جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل اعتقاد نہ ہو
तो वो लाख कोशिशों के बावजूद भी हकीकत तक नहीं पहुंच पाता तो तस्लीम किसको करेगा। बड़ी खूबसूरत बात की है, बड़ी सही बात की, अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एक गाने की तरफ बढ़ेंगे, वापस आके फिर से आपसे बातचीत यकीन रहेगी। एक खूबसूरत सा गाना आप सबकी समातों की नजर, गाना मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। जिंद मेरी है, ओ जिंद। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। जिंद मेरी, मुझे जिया अंजुम कहते। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गमापा गसारे वो तबले की तिरकिट पे तक दिन दिनक दिन तनक दिन दिना दिन बहम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल लगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने इस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, इन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितने कलियां बिलावल गवैयों के होंठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तो एक जाविये पे पलट कर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे। कि तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी तिरछी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटें, जियोमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्ते पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिस्त में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पे कहीं है। मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डिवेंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासू बने, उनकी आंखों को तू जो मुयस्सर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे ना होने से हर एक जमा में हर एक इल्म फन में हर एक दास्तां में
कोई एक चेहरा भी ताजा नहीं है। तुझे राय गानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे राय गानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। तुझे राय गानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे राय गानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। वल जी, कुछ कॉलर्स हैं हमारे साथ, देखते हैं कि कौन है, कहां से हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहां से? रमजान मलिक। रमजान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं। क्या कहना चाहेंगे रमजान भाई? खुश आमदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया। सलाम सलाम। आज जो मौजू रखा है आपने जी, बहुत दफा जिया अंजुम साहब हमें दिल की बात करने के लिए या दिल की बात कहने के लिए या दिल की बात समझाने के लिए किसी शख्सियत की नहीं बल्कि एक कंधे की जरूरत होती है। बिल्कुल सही। हमें गाना चाहिए होता है। बिल्कुल सही। आदमी तो बहुत भीड़ होती है बाजार में, कहीं से भी आपको मिल जाता है, तो कांधा जो होता है वो किस्मत वालों को मिलता है। बेशक। मैंने जितनी मेरी जिंदगी गुजरी है, मैं बरमला तौर पे इस चीज का इजहार करता हूँ और मुझे फख्र है इस बात पे कि मैंने अपनी जो भी मेरी जाती बात होती है वो मैं अपनी वालदा साहबा से उनके दामन में बैठ के उनके गोश गुजार किया करता था। तो जब अम्मी ना रही 2016 तक, तो फिर मैं अपनी बहन से करता हूँ, और जब बहन मुल्क से बाहर होती है तो फिर अब भी मैं शहर खमोशा का रुख करता हूँ, और वहां मैं कहीं ना कहीं बैठ के विवाद किसी के गोश गुजार करता हूँ। एक दिन के बाद या दो दिन के बाद या एक घंटे के बाद मुझे अल्लाह पाक की जात कहीं ना कहीं से जवाब अता फरमा देती है। तो बाकी क्योंकि मैं खुद एतबार के काबिल नहीं हूँ, तो मैं किसी पे क्या दोष दूँ कि मैं किसी से बात करूँ तो उन्होंने मेरी बात आगे फैला दी। तो बात तो वही होती है कि जो अपने अंदर होती है, तो हम किसी के दामन में बात डाल के तो फिर ये कहें या ये सोचें कि ये बात आगे ना जाए, मेरे जहन के मलिक मुताबिक तो रमजान मलिक का मतलब हो सकती है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। सरेकी अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं 3-4 अशआर जरूर जरूर, क्यों नहीं, अता कीजिए। गुजरे लोगों का हाल पूछते हैं, इंजे औखे सवाल पूछते हैं। वाह वाह। गुजरे लोगों का हाल पूछते हैं, इंजे औखे सवाल पूछते हैं, तू कहंदी खातिर सुजा करा दे, रोज तारे ये गाल पूछते हैं। वाह वाह वाह। मैं अपना पटका वदा बिचेना, नवाब जादे रुमाल पूछते। जबरदस्त जबरदस्त। मेरी हालत तो देख अक्सर, लोग तेरा कमाल पूछते। वाह वाह। मेरी हालत तो देख अक्सर, लोग तेरा कमाल पूछते, मलिक जागते जदा कोई उजड़े, मलिक जागते जदा कोई उजड़े, लोग मैदी मिसाल पूछते। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। मलिक जागते जड़ा कोई उजड़े, लोग मैदी मिसाल पूछते। कमाल कमाल। हजूर कीमती वक्त अता फरमाने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रमजान साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
रमजान भाई थे हमारे साथ, रमजान मलिक साहब मेरे प्रोग्राम में जरूर कॉल करते हैं और इनकी कॉल मिल भी जाती है इत्तफाक से, और माशाल्लाह के बड़ी जबरदस्त खूबसूरत बातें करते हैं, कलाम बड़ा ही बेहतरीन और उम्दा हमारे साथ शेयर करते हैं। अच्छा, एक गिला एक शिकवा अक्सर लोग कहते हैं करते हैं कि भाई कोई ऐसा जिंदगी में है ही नहीं कि जिस पर रिलाय किया जाए और जिस कंधे पे सर रख के थोड़ा रो लिया जाए, थोड़े आंसू बहा लिए जाएं, अपने दिल की बात कह दी जाए। ये गिला शिकवा हमें अमूमन हर दो तीन में से कोई एक करता हुआ दिखाई देता है कि यार कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसके साथ कुछ शेयर कर सकें, जिसके साथ कंपैटिबिलिटी हो सके, जिसके साथ हम बेखौफ होकर अपने दिल की बात कर सकें कि ये आगे नहीं किसी से कहेगा, ये किसी को नहीं बताएगा। तो हमें वो अपनी बात, अपना जो दिल का गुबार है वो दिल में ही रखना पड़ता है। अच्छा, कुदरत का एक कानून है, एक बड़ा निराला कानून है, और ये कानून है, ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक बात है, किताबी बात है। कुदरत का एक कानून है और वो कानून बड़ा सिंपल और सादा सा है। उसको आप कह लें कि जो दोगे वही पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बांटोगे वही मिलेगा। ये बड़ा एक आसान सा नुस्खा है कि जो आप बांटेंगे, जो आप तकसीम करेंगे, जिस चीज को मखलूक में फैला देंगे बेलॉस होके, शर्त जो है वो बेलॉस होना है। इवन कि अगर आप बेलॉस नहीं भी होंगे ना, आप बांटना अगर शुरू कर देंगे, आपके पास कोई भी चीज है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चीज है, कोई भी चीज है, किसी भी किस्म की आपके पास कोई चीज है जो आपके पास है और वो आप बांटना शुरू कर देते हैं, तो ये रूल है, ये कानून है कि वो चीज फिर आपके पास कम नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। वो खा इल्म है, आप इल्म बांटना शुरू कर दें तो इल्म आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका इल्म रुकेगा नहीं। वो खुशियां हैं, आप बांटना शुरू कर दें बेलॉस होके, तो यकीन जाने खुशियां जो हैं जिंदगी में वापस लौट के आना शुरू हो जाएंगी, अलग अलग जगहों से, अलग अलग रास्तों से। रिस्क अगर बांटना शुरू कर देंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा, खुदा का वादा है। नफरतें बांटना शुरू कर देंगे तो नफरतें ही वापस लौट के आएंगी। साजिशें करना शुरू कर देंगे तो आपको बदले में साजिशों का ही शिकार होना पड़ेगा। हसद करेंगे तो बदले में कहीं ना कहीं हसद ही मिलेगी। मोहब्बत करेंगे तो बदले में मोहब्बत ही मिलेगी। तो जो लोग ये गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि कोई ऐसा नहीं है कि जिससे अपने दिल की बात कह सकें, तो सुनने वाले बन जाएं, बेलॉस होके लोगों की बात सुनना शुरू कर दें और अपने आप को एक ऐसी तिजोरी, एक ऐसी जंबील, एक ऐसा कुआं बना दें कि कोई भी आके यहां पे अपना राज दफन करना चाहे तो वो दफन रहेगा आपके सीने में। ये नहीं कि कोई भी आके आपको कुछ भी कह दे और आप वो वसीला, वो सोर्स बने कि आपसे बातें लीक होना शुरू हो जाए, निकलना शुरू हो जाए, लेकिन लोगों के साथ वाकई हमदर्दी के तौर पर लोगों का कंधा बनना शुरू हो जाए, लोगों की बात सुनना शुरू कर दें। हमारे बहुत सारे गम बाजुकात तभी आधे खत्म हो जाते हैं जब हम वो बात किसी से कह देते हैं और आगे कोई हमारा कंधा थपथपा देता है, हमें तसल्ली दे देता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, खैर होगी, अल्लाह ताला खैर करेंगे, तो इससे भी बहुत सारे गम आधे हो जाते हैं। तो अगर आप यकीन जाने लोगों का कंधा बनना शुरू हो जाएंगे ना, आप लोगों की बात सुनना शुरू कर देंगे, लोगों के अच्छे राजदार बन जाएंगे, लोगों के अच्छे हमदम बन जाएंगे, हमदर्द बन जाएंगे, तो कुदरत का कानून है कि फिर ये जो चीज आप लोगों को लुटा रहे हैं, ये चीज वापस भी मुड़ के जरूर आएगी आप तक। तो आपको भी फिर कुछ ऐसे सहारे, कुछ ऐसे कंधे जरूर मिलेंगे जो आपकी भी सुनेंगे और बेलॉस होके सुनेंगे, लेकिन शर्त ये है कि पहले आपको खुद को वैसा होना पड़ेगा। आप वैसा हो जाएंगे
तो यकीन जानिए दुनिया में एक ऐसा मैजिक होगा, एक ऐसा जादू होगा कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि खैर के रास्ते, खैर वाले लोग आपके साथ खुद ही आके जुड़ना शुरू हो जाएंगे अगर आप खैर वाले हो जाएंगे। इस चीज को आजमा के देखिएगा, खास तौर पे वो लोग जो कहते हैं कि हम जिंदगी में तन्हा हैं और हमारे पास कोई एक ऐसा शख्स भी नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि ये हमारे साथ लॉयल है, हमारे साथ वफादार है, ये हमारे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता। जो लोग ये गिला करते हैं वो खुद लॉयल हो जाएं, वो खुद वफादार हो जाएं, वो खुद बांटना शुरू कर दें अपना कीमती वक्त, अपनी समातें बांटना शुरू कर दें, तो यकीन जानिए आपको भी कोई ना कोई सुनने वाला जरूर मिल जाएगा। एक और कॉलर की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन बात कर रही है, कहाँ से? विशाल बोल रही हूँ, मॉडल टाउन से। विशाल कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी दिल को लग रही थी क्योंकि अब हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बहुत सारी खूबसूरत ऐसे लोग जो आपके लिए, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ऐसा लगता है कि वो हमारे सुनने के लिए, हमारे दिल के वो जो भी हम राज या जो, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि उनकी ड्यूटियां लगी होती है कि वो आए दुनिया में लोगों की ओर सुनने करने, भला करने आए होते हैं। अब यकीन करें और वो बेलौस मोहब्बत, बिल्कुल सही, उनको कोई गर्ज नहीं होती। वो कभी आपसे ये नहीं पूछेंगे क्या हुआ क्या हुआ, नहीं, जो हुआ कोई बात नहीं, इसके बाद बहुत अच्छा होने वाला है और वो बेहतरीन करने वाला है, तो वो बेहतरीन करने, ये तो बस थोड़ा सा छोटा सा इम्तिहान था। यकीन करें आधी तकलीफ, आधा दुख, आधा गम तो वहीं खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वो सिर्फ आपको, आपको वैसा, अभी आप कह रहे थे ना, सिर्फ वैसा होना पड़ता, आप वैसे हो जाओ, आपको वैसे ही कंपनी मिलेगी, वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही आपके साथ सारे सिलसिले होने लग जाते हैं। बहुत दफा ऐसा हुआ कि समझा कि ओ ये तो बस समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता किस कमाल से वो जात ऐसे आप पर ब्लेसिंग्स, आप पे रहमतें, आप पे कर्म फजल हो रहा होता है। तो कभी कभी, कभी नहीं, बहुत दफा मैं तो बहुत दफा हैरान हो जाती हूँ, या अल्लाह कितनी आसानियां तो हमारे लिए कर देते हैं। बेशक बेशक। और सारी मुश्किलें हम अपने लिए खुद ही बनाकर, खुद ही मुश्किलों में फंसे होते हैं, वो हमें ऐसे निकाल देते हैं उसमें से, तो क्या ही अच्छा हो कि हम उसके साथ जुड़ जाएं और उसके बंदों के साथ जुड़ जाएं। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात है। बड़े प्यारे, यकीन करें वो हमें, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बस मेरा ऐसे दिल क्या कि बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था जब आप कह रहे थे, और यकीन करें कुछ भी आपके पास, जो आपके पास आपको लगता है कि नहीं है ना, वो आप देना शुरू कर दो, वो आपके पास आएगा। बिल्कुल बेशक, आपको नहीं पता होता किधर से आना है, कैसे आना है, आप होते ही कौन है कहने वाले, सोचने वाले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। छोड़े, वो आपको ऐसे कमाल कर्म करता है कि आप कहते बंदा इंसान है ना, घबरा जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मिशाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। जीती रहें, सलामत रहें। मिशाल हमारे साथ थी, 101 की बड़ी खूबसूरत कॉलर हैं, आके बड़ी खूबसूरत और हमेशा अच्छी बातें करती हैं। कुछ मैसेजेस की तरफ हम बढ़ते हैं, आपके बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग हैं मेरी तरफ और वक्त जो है वो बड़ी तेजी से गुजरता चला जा रहा है, सिर्फ 10 मिनट रह चुके हैं। अरबिशा हैं, कहती हैं कि आप कैसे हैं, आप किसी से भी अपने दिल की बात कैसे आगे मत करें, वो इंतजार में रहते हैं कि जात पे, वो जात में छेद करने के लिए, अगर आपके पास सही नॉवल, अच्छा अरबिशा आपके कुछ जो सेंटेंसेस हैं, जो रोमन में आपने कुछ चीजें लिखी हैं ना, मुझसे एग्जैक्टली नहीं पढ़ी जा रही, लेकिन बहरहाल आपकी बात हम तक पहुंच चुकी है और आपने सही कहा है, दुरुस्त फरमाया है। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने के लिए। इसके साथ साथ कुछ और मजीद दोस्त हैं, उनको भी देख लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। हाफिजा फरा नासिर हैं, वो कहती हैं कि अपनी बातें हर किसी से शेयर करने का मतलब खुद को खुद जुबान जदे आम करना है।
بہتر ہوتا کہ اپنے رب سے ایسا تعلق بنا لیں کہ ہر بات اپنے پروردگار سے شیئر کر لیں. آپ جتنا لائف میں میچور ہوتے جاتے ہیں آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ سب سے قریبی اور بے نیازی اور پردہ رکھنے والی اور مرہم رکھنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو رات کے جس پہر بستر پر لیٹیں تو ساری کی ساری کہانیاں اس کے گوش گزار کر دیں اور اس کے حوالے کر کے سو جائیں. بندوں سے اپنی باتوں کا بوجھ نہ ہی ڈالیں تو بہتر ہے. بات تو ٹھیک ہے, بات تو صحیح ہے فرا, میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن پھر بھی ایک انسانی کمزوری ہے, ایک بشری کمزوری ہے. کیسا ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ چپ کا روزہ رکھ لے اور وہ اپنی کیفیات, اپنے جذبات, اپنے ایموشنز کو کسی کے بھی ساتھ شیئر نہ کرے. چاہیے تو ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جس کے ساتھ شیئر کرے, وہ دیکھنا پڑتا ہے, چننا پڑتا ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں ہر وہ شخص آپ کے معیار پر پورا اترے, وہ آپ کی بات کا, آپ کے احساسات کا مان رکھے. وہ ایک نا راحت کا ایک گانا ہے, دا ٹریک از ضروری تھا, تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا, محبت بھی ضروری تھی, بچھڑنا بھی ضروری تھا. ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آرزو کرتے, مگر پھر ان آرزوؤں کا بکھرنا بھی ضروری تھا. تو بعض اوقات زندگی میں ہونے والے ہمارے ساتھ بہت سارے غلط معاملات, بیڈ ایکسپیرینسز بھی ضروری ہوتے ہیں ہمیں بنانے کے لیے, ہمیں تعمیر کرنے کے لیے, ہمیں کھڑا کرنے کے لیے. زندگی کے میں آگے جا کے مشکل ترین حالات میں ٹف ڈیسیژنز لینے کے لیے ہر چیز ضروری ہوتی ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم بالکل ہی کوئی سادھو, کوئی ملنگ بن کے جنگلوں میں نکل جائیں اور ہم کہیں کہ ہمارے لیے صرف اور صرف رب ہے اور ہم صرف اسی سے شیئر کریں گے اور کسی سے نہیں کریں گے. گو کہ وہ تو ہے ہی ہے اور وہ تو ہر جگہ ہے ہی ہے, لیکن پھر بھی ہمیں کہیں نہ کہیں لوگوں کی ضرورت تو پڑتی ہے. اور لوگ بھی کون, وہ جو بہت قریبی ہوتے ہیں, جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں. لیکن ذرا دیکھ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بے لوس ہو جاتے ہیں, آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ بے لوس اور بے نیازی والے معاملات جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. زندگی میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں میجک. یہ جو میجک ہے نا, یہ ہماری زندگیوں میں ہوتا ضرور ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں میجک ان لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتا ہے, سب سے بہتر ہوتا ہے, سب سے اچھا ہوتا ہے, جو جتنے زیادہ عقیدے اور بلیو کے پکے ہوتے ہیں, جو لوگ بلیورز ہوتے ہیں, جو واقعی اللہ پہ پورا کامل یقین رکھ کے اس سے کچھ مانگتے ہیں, اس سے کچھ طلب کرتے ہیں. تو پھر زندگی میں ایسے ایسے معجزات ہوتے ہیں, ایسے ایسے میجک ہوتے ہیں کہ ابھی مشال آئی تھی نا, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوگوں کی, بندوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں. ایسے ایسے کام ایسے ایسے لوگوں کے تھرو ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, لیکن آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ کا کام نکل جاتا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے خود کو تھوڑا ٹھیک ہونا پڑتا ہے, اپنے اندر کچھ سدھار لے کے آنا پڑتا ہے. خاص طور پہ جیسا آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ملے ویسا ہونا پڑتا ہے, بانٹنا پڑتا ہے. بانٹتے ہیں تو ملتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ صرف اور صرف آپ ریسیور ہی رہیں, ریسیو اینڈ پہ آپ ہر وقت نہیں موجود رہ سکتے, آپ کو گیونگ اینڈ پہ بھی رہنا پڑتا ہے. آپ جتنا زیادہ گیونگ اینڈ پہ ہوں گے آپ اتنے زیادہ ہی ریسیور بھی ہوں گے, آپ کو ملے گا بھی, اور ایسے ایسے رستوں سے ملے گا, ایسی ایسی جگہوں سے ملے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. یقین جانیے میری زندگی میں ایسے ایک نہیں لا تعداد ایسے ایسے مواقع ہیں کہ رب
کی ذات نے میرے لیے ایسی ایسی آسانیاں فرمائیں، ایسے ایسے راستے کھولے کہ میں ہزار بار بھی مر کے دوبارہ جیتا اور کوششیں کرتا تو بھی میرے وہ بات وہ چیز وہم و گمان میں بھی نہیں آنی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے راستے نکالے۔ وہی بات کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے نا ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ خود نہیں آتے نیچے کوئی کام کرنے کے لیے، وسیلے بندے ہی بنتے ہیں، معاملات ان لوگوں کے تھرو ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں میجک ہوتے کیسے ہیں۔ آپ نے کیا کسی بابے کی کرامت سننی ہوگی، آپ نے کیا کسی اور کی زندگی کا کوئی واقعہ سننا ہوگا کہ کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی ایسا معجزہ ہو گیا، کوئی ایسی انہونی ہوگی، آپ کے ساتھ معاملات ہونے لگ جاتے ہیں، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، آپ سوچتے ہیں کہ میں ساری زندگی بھی کوشش کر لوں تو میں یہ کبھی بھی اچیو نہیں کر سکوں گا، یہ میں کبھی بھی پورا نہیں کر سکوں گا، یہ تو میرے معیار سے، میرے درجے سے، میرے معاملات سے، میری کوشش سے کہیں زیادہ آگے کی بات ہے، اور وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں پہلے خود کو بھی ویسا ہونا پڑتا ہے۔ وہ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نا آپ کو مختلف پروسیجر سے گزار رہے ہوتے ہیں، مختلف معاملات سے گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک پاکستان کی آرمی کے پاس ایک طیارہ ہے جس کو ہم F-16 بولتے ہیں۔ F-16 جو طیارہ ہوتا ہے نا، وہ جس پائلٹ کو دیا جاتا ہے نا آرمی یا گورنمنٹ آف پاکستان، اس ایک پائلٹ کے اوپر، اس کی ٹریننگ کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کرتی ہے، اس کی ٹریننگ پہ، پھر جا کے وہ اس اہلیت کے قابل ہوتا ہے کہ وہ F-16 کو اڑا سکے، اس جنگی طیارے کو اڑا سکے۔ ایوی کسی چلتے پھرتے ڈرائیور کو F-16 طیارہ نہیں پکڑا دیا جاتا، ضروری ہے کہ وہ ہی وہ طیارہ اڑائے، وہی پائلٹ وہ طیارہ اڑائے جو اس کا اہل ہے۔ تو پہلے قابل ہونا پڑتا ہے کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب آپ اپنی تیاری پوری رکھتے ہیں نا، اپنی طرف سے پورا بیسٹ دے دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور ایسی ایسی جگہوں سے کھولتا ہے کہ آپ کو خود یقین نہیں آتا، لیکن اس کے لیے پہلے اہل ہونا پڑتا ہے، اس ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے، اس رستے سے گزرنا پڑتا ہے، وہ مشکلات طے کرنی پڑتی ہیں، وہ مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں جو کہ اس رستے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اقبال نے نا ایک بڑا خوبصورت سا ایک شعر کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ قابلیت بڑی ضروری ہے، قابل ہونا پڑے گا۔ اس پورے شعر میں دو چیزیں سب سے اہم ہیں، ایک قابلیت اور دوسری نئی دنیائیں، نئی دنیائیں جن کا صرف آپ دور سے تصور کر سکتے ہو لیکن آپ نے دیکھی نہیں ہوتی، لیکن جب آپ قابل ہو جاتے ہو اس چیز کے، اہل ہو جاتے ہو اس چیز کے، تو پھر ایک ایسا میجک ہوتا ہے کہ آپ کو نئی نئی دنیا بھی دکھا دی جاتی ہے، ایسے ایسے راستے، ایسے ایسے جہان دکھا دیے جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ ایک کال ہم اور لے سکتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم پاکستان۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ لاہور سے ساجدہ بات کر رہی ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر، کیا کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی، میں ٹاپک کے بارے میں کہنا چاہوں گی، ٹاپک اچھا ہے، اور ٹاپک کے بارے میں کہنا چاہوں گی، ہمیں دل کی باتیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہر کسی سے نہیں، یہ کوئی ایسا دوست ہوتا ہے جس سے بات کرنی چاہیے، ہر کوئی ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، اور سوچ کے کرنی چاہیے، یعنی کہ اس سے سوچ کے بات کرنی چاہیے، ہم اس سے بات کر رہے ہیں تو یہ بات ادھر دوسری طرف تو نہیں کرے گا، دوسرے سے تو نہیں کرے گا، اگر وہ ہمارا جو خاص دوست ہے اس سے کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہاں نا، تو ایسے تو دیکھیں نا، منہ پہ دوست کافی ہوتے ہیں اور بعد میں چینج ہو جاتے ہیں،
बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया साजदा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। हाँ जी बिल्कुल, और ना मुंह पे कुछ होते हैं, बाजू में कुछ होते हैं, लेकिन ऐसे दोस्तों को बिल्कुल दोस्त ना बनाए और सोच समझ कर बात अपनी शेयर करें। लेकिन अगर कोई दोस्त नहीं है तो हमें अल्लाह ताला से अपनी हर शेयर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया साजदा, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, अब टाइम खत्म हो चुका है, टाइम खत्म हो चुका है, अब गाना नहीं लगेगा। तक मेरी और आपकी आवाज आ रही, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साजदा थी हमारे साथ, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है और ये हमारी लास्ट कॉलर थी। कुछ मैसेजेस मेरे ख्याल से रह चुके हैं जो मैं आपके नहीं शामिल कर सका, और अगर वो नहीं कर सका तो उसके लिए मैं बड़ा ही माजरत खा हूं कि आपके मैसेजेस को शायद मैं शामिल नहीं कर सका। तमाम सुनने वालों को जिन्होंने प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की, और वो तमाम दोस्त जो कि हमें साइलेंटली सुनते रहे, आप सबकी मोहब्बतों का, चाहतों का, समातों का बेहद शुक्रिया। चंदा हमारे साथ थी, चंदा आपका बहुत शुक्रिया, उसके अलावा उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो कि हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह अगली जुमेरात को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे जिया अंजुम को दीजिए इजाजत। अगर आप मेरे साथ राब्ता करना चाहें तो फेसबुक पे जिया अंजुम के नाम से सर्च कीजिएगा या गूगल पे जिया अंजुम के नाम से सर्च कीजिएगा, मेरे मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल्स आपको मिल जाएंगे, वहां पे आप आके राब्ता कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे कल तक अवेलेबल होगी, वो भी आप सुन सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।